Hello everyone, welcome to the Unacademy NEET, a one-step solution for your NEET examination. तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे और राम राम सारे अनु। तो मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। जब भी हम किसी मुश्किलों को सामने करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे फेस ऑफ नहीं कर पाते, उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज हमें हार्ड लगती है, अच्छी नहीं लगती है, उनको हम क्या करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। लेकिन हमें उन चीजों से डरना नहीं है, क्योंकि डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ही जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इसी के साथ आज हम हमारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जिन भी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, व्हाई फिजिक्स इज सो हार्ड, फिजिक्स सब्जेक्ट हार्ड क्यों है, उन सभी बच्चों के लिए सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने फिजिक्स में मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। जो स्टूडेंट पहले से अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, वो कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो भी ये सेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सकता है। और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बिल्कुल कम आ रहे हैं, चैप्टर्स उन्होंने कम पढ़े हैं, नीट एग्जामिनेशन उनको देना है और एक अच्छा खासा स्कोर वो फिजिक्स में प्राप्त करना चाहते हैं, सो दिस सेशन इज फॉर यू। इस सेशन में हम जानेंगे कि किस तरीके से फिजिक्स के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को आप कवर करके आप फिजिक्स में 100+ आसानी से स्कोर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स ये जानते होंगे। तो चलिए गाइज, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या फिजिक्स सच में हार्ड है, सब्जेक्ट हार्ड है, या फिर हमने इस सब्जेक्ट को हार्ड बना रखा है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? पहली चीज तो फिजिक्स तो किसी भगवान ने नहीं बनाई, फिजिक्स तो इंसानों ने ही बनाई है, अपना दिमाग लगा के बनाई है, एवोल्यूशन हुआ है, जो जो चीजें उन्होंने अपने नेचर में ऑब्जर्व की है उनको उन्होंने एज ए लॉ, एज ए थ्योरम फिजिक्स की बुक्स में लिख डाला है। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम फिजिक्स को समझने की कोशिश ही नहीं करते। जब तक हम फिजिक्स को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, फिजिक्स को पढ़ने के अप्रोच को हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक फिजिक्स सब्जेक्ट हमें हार्ड लगेगा। एक्चुअल में क्या है, देखिए, फिजिक्स सब्जेक्ट इज नॉट हार्ड। पहली चीज तो अपने मन से ये निकाल लीजिए कि सर फिजिक्स सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, फिजिक्स को हार्ड हमने बनाया है। कैसे? सोच सोच के कि फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स इज नॉट हार्ड, हमने कहा है कि सर फिजिक्स इज हार्ड। तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन लाइए कि ये क्वेश्चन आपके मन में क्यों आया, सर फिजिक्स से साथ। हर स्टूडेंट का, हर लर्नर का, हर एस्पायरेंट का जो सोचने का तरीका होता है वो अलग होता है। किसी को फिजिक्स क्वेश्चन ना सॉल्व होने के कारण हार्ड लगती है, किसी को फिजिक्स के कंसेप्ट समझ नहीं आते, किन्हीं लर्नर्स को फिजिक्स को विजुअलाइज करना नहीं आता है, उनको इमेजिनेशन करनी नहीं आती कि भैया इलेक्ट्रॉन अच्छा इस रास्ते से होते हुए जाएगा, प्रोजेक्टाइल इस रास्ते से होते हुए जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद नहीं होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को फिजिक्स तो समझ आती है, क्लास अटेंड करते हैं, क्लास में अच्छा अच्छा फील होता है, क्लास में कंसेप्ट भी समझ में आता है, क्लास में जब सर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो उस टाइम क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो गजनी बन जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लेस हो जाती है उनकी, कुछ टाइम बाद वो फिजिक्स को भूल जाते हैं, प्रॉपर रिविजन नहीं हो पाता है। सर फिजिक्स से तो हम इसलिए डरते हैं क्योंकि जब भी मॉक टेस्ट आता है तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है, हम तो मॉक टेस्ट देने से भी डरते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे। तो अगर किसी ए स्टूडेंट के लिए फिजिक्स किसी रीजन की वजह से हार्ड है तो जरूर नहीं है बी स्टूडेंट्स के लिए भी वही रीजन हो। तो हर स्टूडेंट का रीजन अलग होता है कि फिजिक्स उन्हें समझ क्यों नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए और ये क्वेश्चन पूछने के बाद मन में जो सबसे पहला जवाब आता है उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन आंसर जो कि मुझे पता है कि आपके मन में आ रहा होगा। पहला तो यही है, सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, हमें पता ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, सर हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, हम तो चाहते हैं कि जिस तरीके से बायोलॉजी को हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से फिजिक्स को भी हम एनसीईआरटी से पढ़े तो फिजिक्स हमें याद हो जाएगी। सर हमारा तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, हम तो आज फिजिक्स पढ़ते हैं, सुबह नहाते हैं तो सारा फिजिक्स पानी में बह जाता है, सर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, कंसेप्ट तो समझ में आता है लेकिन जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो हम लंबे टाइम तक फिजिक्स को नहीं डील कर पाते।
सो दिस इज कॉमन फॉर एवरी वन गाइस, आप कोई स्पेशल नहीं हो। इंडिया में जितने भी बच्चे नीट एस्पायरेंट्स हैं, जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फिजिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सबका हाल सेम है, सबका हाल कॉमन है। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द टुडे सेशन। यही आज के सेशन की स्पेशलिटी है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच से जानेंगे कि कॉमन स्टूडेंट, कॉमन बच्चा किस तरीके से फिजिक्स को पढ़े कि वो फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर कर सके, वो फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर कर सके। नाउ देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज कि किस तरीके से टॉपर बना जा सकता है, कितने घंटे में पढ़ूं, फिजिक्स को मैं कितना घंटा दूं, बायो को कितना दूं, किस तरीके से मैं मॉक टेस्ट दूं, किस तरीके से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करूं, कौन कौन से टॉपिक में पढ़ूं, किस तरीके से टॉपर बनना है, 6 महीने में टॉपर बनिए, 3 महीने में टॉपर बनिए, 2 महीने में टॉपर बनिए, इज इट पॉसिबल? क्या ये सच में ऐसा पॉसिबल है? अपने आप को एग्जामिन कीजिए कि अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको पूरा 6 महीने हमारी अनअकैडमी की टीम आपके साथ बैठ जाएगी और आपको टॉपर बनाने लगेगी, तो आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपको टॉपर बनना है या फिर आपको सिलेक्शन लेना है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्या आपको रैंक 1 लाना जरूरी है या फिर आपको अच्छा स्कोर करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी है? बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों की अप्रोच अलग होती है। अगर आपको रैंक 1 लानी है तो रैंक 1 के लिए मेहनत अलग लगेगी। अगर आपको अच्छा स्कोर करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आपका वही एम है, तो उसके लिए मेहनत अलग लगेगी। सो दिस इज ए वीडियो नॉट फॉर टॉपर, दिस वीडियो इज फॉर द कॉमन स्टूडेंट, मेरे जैसे कॉमन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फिजिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता था। यस, मुझे भी फिजिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन मैंने क्या अप्रोच अपनाई उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, और आपको क्या अप्रोच अपनानी है उसको हम आज बात करते हैं। पहली चीज कि सर परीक्षा में कम नंबर आ रहे हैं, ये सही है या गलत? फिजिक्स के क्वेश्चंस कम सॉल्व हो रहे हैं, ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सर ये सही कैसे? ये आपको आपकी रियलिटी बताता है कि आपका फिजिक्स पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना वीक है। सो दिस इज द बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड है कौन हमारा? बेस्ट फ्रेंड है मॉक टेस्ट, जो हमें बताता है कि फिजिक्स में कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक को मुझे बार बार रिवाइज करना है और कौन से टॉपिक को कम रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है, किस टॉपिक को कम रिवाइज करके मैं मैक्सिमम स्कोर ला सकता हूं, और कौन सा टॉपिक इतना बड़ा है जिससे केवल एक ही क्वेश्चन आता है। सो ये पूरा का पूरा एनालिसिस होता है विद द हेल्प ऑफ योर परीक्षा, विद द हेल्प ऑफ योर मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको इसमें इंप्रूवमेंट लाना है तो आपको इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड दिस एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। हर स्टूडेंट को ये करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स टेक एन सिंपल एग्जांपल। मैं आपसे कहूं कि सर 3 का टेबल सुनो, तो आप अभी सुना दोगे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27, 3 10 30। इट्स वेरी सिंपल। आपने इसमें इतनी ज्यादा एक्सपर्टाइज कैसे हासिल की? सर ये जो टेबल था ना, ये हम बचपन में हजारों बार पढ़ेंगे। हम नींद में भी होते थे ना तब भी पढ़ते थे, नींद में होते थे तब भी पढ़ते थे, इतना हमने इसका रिपीटिशन किया है। जितना ज्यादा आप रिपीटिशन करोगे ना, उतनी ज्यादा चीजें आपको याद। पहला चीज ये फंडा कि हम हमारे बचपन में जो हमारे मम्मी पापा ने सीख सिखाई थी, हमारे टीचर ने जो हमें सिखाया था, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, उसे हम भूल चुके हैं। अगर आप सोच रहे हो कि फिजिक्स का सिलेबस एक बार में कवर कर दिया 3 महीने लगा के बैठ के, और अगर आपने उसको वापस रिवाइज नहीं किया, तो फिजिक्स में आपका नंबर इंक्रीज नहीं होगा। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, उसका रिवीजन विद इन 7 डेज हो जाना चाहिए। अगर आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो पहले चैप्टर का रिविजन पैरेलली होना चाहिए। अगर आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो सेकंड चैप्टर का रिवीजन कम होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर की भूलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो पुराना हो चुका है। तो इस तरीके से आपको पैरेलली नंबर ऑफ चैप्टर्स हॉरिजॉन्टल वे में स्टडी करने पड़ेंगे। अगर आप मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, मोशन इन ए प्लेन पढ़ रहे हो,
तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन को पैरेलली हॉरिजॉन्टल वे में आप पढ़ सकते हो। एक चैप्टर के फॉर्मूले को दूसरे चैप्टर के फॉर्मूले में यूज लिया जा सकता है, इंडिपेंडेंटली दोनों यूज में एक साथ आ सकते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है कि आपको करना है रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन। किसका रिपीटेशन? सर हम तो टेलीग्राम पे इतने रिसोर्सेज लेके इकट्ठे बैठे हैं, किस चीज का रिपीटेशन करें, किस चीज का रिविजन करें? पहली चीज, जो भी क्लास आप अटेंड करते हो, मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आप अपने नोट्स बेचने के लिए बना रहे हो क्या? अब सोचो, नहीं सर, नोट्स तो हम बेचने के लिए नहीं बना रहे। तो अगर आप अपने नोट्स बेचने के लिए नहीं बना रहे हो, तो जिस भी हैंड राइटिंग में आपके नोट्स बनते हैं, यू शुड हैव योर हैंड रिटन नोट्स, डोंट डिपेंड ऑन माई हैंड रिटन नोट्स। मैंने अपने नोट्स मेरे अकॉर्डिंग बनाए हैं। मुझे कोई कंसेप्ट वीक लगता था, उसको मैंने अच्छा डिटेल में लिखा है। मुझे कोई फॉर्मूला प्रॉपरली याद था, उसका मैंने डेरिवेशन नहीं किया है। सो मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। अगर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, तो आपने अपनी सक्सेस का 50% पोर्शन खुद ब खुद तय कर लिया है। आपका 50% पोर्शन तभी कंप्लीट हो जाएगा आपके हार्डवर्क का, अगर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अपने हैंड रिटन नोट्स। उन हैंड रिटन नोट्स में डेफिनेशन, कंसेप्ट, फॉर्मूले का डेरिवेशन और उसके जस्ट बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कंप्लीटली एनसीईआरटी लेके बैठ गए, पूरा चैप्टर का थ्योरी चिपका दिया, एक भी क्वेश्चन बीच में नहीं किया, तो इससे बात नहीं बनेगी। प्रिपेयर योर ओन हैंड रिटन नोट्स अकॉर्डिंग टू योर नीट एग्जामिनेशन। डेफिनेशन, कंसेप्ट, जो भी थ्योरी है ऊपर, उसके बाद डेरिवेशन, जो फॉर्मूला हमें याद रखना है उसको बॉक्स में डालो और उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगा लो, तो वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करने के लिए आपके अपने हैंड रिटन नोट्स आपके हाथों में, नॉट इन डिजिटल फॉर्म, पेन पेपर के फॉर्मेट में आपके पास होने चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आपको किसी भी चीज को याद रखने के लिए फिजिक्स में सबसे पहले आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डेरिवेशन कैसे हुआ उसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए और फॉर्मूला आपको नीचे पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है। अब सर फॉर्मूला तो याद रखेंगे, लेकिन क्या फॉर्मूला पढ़ पढ़ के याद हो जाएगा? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, नहीं, ऐसे याद नहीं होगा। फॉर्मूला को कहां लगाना ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे आपके और वो 50 क्वेश्चन सभी चैप्टर से होंगे, और किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज को पता लगाने के लिए एक एल्गोरिथम होती है एग्जाम की, उस एल्गोरिथम को आपको समझना पड़ेगा। तो उस एल्गोरिथम में एक्सपर्टाइज लाने के लिए जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ें, तो सबसे पहले उन फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश करें जो उस क्वेश्चन में लग सकता है, उस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है। इससे क्या होगा कि जो फॉर्मूला नहीं भी लगेगा उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला पढ़ना है और फॉर्मूला को क्वेश्चन में लगाना है, जिससे कि वो फॉर्मूला आपको याद हो जाए। फॉर्मूला को याद करने का लॉन्ग टर्म के लिए एक ही तरीका है। सबसे पहला स्टेप है कि फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखो, कि किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर करना है, किस तरीके से डायरेक्शंस लेनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। तो पहली चीज सभी मेरे साथ बोलेंगे, डोंट ट्राई टू रिमेंबर थ्योरी इन फिजिक्स, इट इज नॉट बायोलॉजी, इट्स अ फिजिक्स, फिजिकल, फिजिकली चीजें याद होनी चाहिए आपको। आपको फिजिकल वर्ल्ड में जो भी लॉज है, जो भी नियम है, जो भी फॉर्मूले हैं, वो पता होने चाहिए। और इन फॉर्मूला को याद रखने का तरीका है अप्लाई थ्योरी टू द क्वेश्चन, उस फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करो और उसी टाइम फॉर्मूले को याद कर लो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट चीज तो मैंने आपको बताई दिए कि मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। आपके पास खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए फिजिक्स में। इसके बाद सर जब हम फिजिक्स के नोट्स बनाएंगे, 4-5 कॉपीज हो जाएगी इतनी बड़ी 11th-12th की, और इतना सारा पोर्शन हमें याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या इतनी मोटी बुक आपके पेपर में आती है या 30% ही पोर्शन आता है?
यहां पर आपको टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, यहां पर रोल आता है फैकल्टी का। वो आपको बताएगा कि यस ये एग्जाम में आएगा और ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपको पढ़ना है ये आपको नहीं पढ़ना है। तो जो आपको पढ़ना है, जो आपको याद नहीं रहता है, ओनली उसी के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मेरे शॉर्ट नोट्स अलग होंगे, से फॉर एग्जाम्पल राम के शॉर्ट नोट्स अलग होंगे, अजय के शॉर्ट नोट्स अलग होंगे, अंकित के शॉर्ट नोट्स अलग होंगे। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला मुझे याद है, हो सकता है वो राम को याद ना हो सकता है वो अंकित को याद हो। तो जो चीजें आपको याद नहीं है या जिनको आपको याद रखना है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने? अगर आपका पहला चैप्टर का नोट्स कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आपके बन गए, तो उसके जस्ट बाद 2 पेज खाली छोड़ दो। उन 2 पेजेस में आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाने, सो दैट आप उस एक चैप्टर को उन 2 पेजेस में रिवाइज कर सको। पहला रिवीजन में हो सकता है टाइम लगे, जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हो सकता है आपको 10 घंटे लगे, जब आपने उसका पहली बार रिवीजन किया हो सकता है 8 घंटे लगे, दूसरी बार जब आप रिवीजन करोगे तो 6 घंटे लगेंगे, तीसरी बार रिवीजन करोगे तो दिस टाइम विल बी डिक्रीजेस, क्योंकि उसके बाद आप केवल पेपर को देख के पढ़ लोगे, आंखों से पढ़ लोगे कि हाँ हाँ ये ऐसे करके। एक तो होता है मन में पढ़ना, एक होता है आंखों से पढ़ना। सो दिस टाइम विल बी डिक्रीज, तो यू हैव टू रिवाइज फिजिक्स इन नंबर ऑफ टाइम्स, जितना हो सके आपको उसको रिवाइज करना है। और रिविजन करने से आपका क्या होगा, वो आपके माइंड में लंबे समय तक रिटेन रहेगा। तो इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी होंगे, जो कि इतने सारे मैटर को, 4-5 कॉपी के मैटर को हाफ कॉपी में कन्वर्ट कर देंगे, हाफ कॉपी में कन्वर्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? नाउ ये प्रॉमिस तो मैं आपसे हर क्लास में देता हूं, कुछ स्टूडेंट इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है, जिसको सिलेक्शन लेना ही है किसी भी हालत में, तो वो क्या करेगा? ही विल वॉच द लेक्चर अगेन इन नेक्स्ट 24 आवर, और उसी के साथ वो उसका क्या कर लेगा, रिवीजन कर लेगा। तो वो लेक्चर भी देखेगा वापस और वो रिवीजन भी करेगा वापस, तो दोनों काम वो करेगा, दोनों काम वो करेगा। और करने हैं बेटा, अपने आप से प्रॉमिस ले लो कि आपको लेक्चर देखने के बाद, जब आपके नोट्स बन जाएंगे, आपको वो सेशन वापस देखना है। और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद सर फॉर्मूला याद रखने के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, जो क्वेश्चन क्लास में आपको कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डायरेक्टली नहीं कूदना है। स्टूडेंट क्या करता है, सर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा, 2 घंटे में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, अब कूदेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बाद में सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, नोट्स के सारे क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने चाहिए, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक OMR ले लीजिए, एक 30 क्वेश्चंस का टारगेट ले लीजिए, पहले दिन 45 मिनट्स रखिए, फिर 30 मिनट्स रखिए, फिर 15 मिनट्स रखिए। तो इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिस तरीके से आप एक्चुअल पेपर में सॉल्व करने वाले, विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी। पहली बार आप जब सॉल्व करोगे तो आपसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। तो करना कुछ नहीं है, एक आपको चार्ट बनाना है, उस चार्ट में नंबर ऑफ चैप्टर्स लिखने हैं, आगे कॉलम्स बनाने हैं। एक रिवीजन हो गया, टिक मार दीजिए, दूसरा रिवीजन हो गया, टिक मार दीजिए, तीसरा रिवीजन हो गया, टिक मार दीजिए, और उस चार्ट को कहीं अपनी वॉल पर चिपका लीजिए, और जब भी सुबह उठे उस चार्ट को देखिए, ओहो इस चैप्टर को मैंने 6 बार रिवाइज कर लिया है, इस चैप्टर को मैंने 7 बार रिवाइज कर लिया है, रात को सोने से पहले देखिए, तो आपको लगेगा कि आपने कुछ काम किया है। जब तक आपको खुद को फील नहीं होगा कि मैंने रिविजन किया है, तब तक आप खुद को खुश महसूस नहीं करेंगे, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। तो डोंट अवॉइड द मॉक टेस्ट ऑल्सो, मॉक टेस्ट को भी आपको अवॉइड नहीं करना है। सिमिलरली जिस तरीके से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद OMR विद टाइम, मॉक टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो, एनी टाइम। मॉक टेस्ट में नंबर कम आए ज्यादा आए उससे आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन आपको मॉक टेस्ट के नंबर से फर्क पड़ने लग गया, उस दिन बेटा आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आपकी स्ट्रेस लेवल अपने आप इंक्रीज होने लगेगा। आप ये सोचो, दिस इज नॉट एक्चुअल पेपर, इसमें मैं जितनी गलतियां करना चाहूं करूं,
लेकिन अगर यही क्वेश्चन एक्चुअल पेपर में आ जाए, मैं वहां पर वो गलती नहीं करना चाहता। तो जितनी भी मिस्टेक्स आप करना चाहें मॉक टेस्ट में कर सकते हैं, और उन मिस्टेक्स का एनालिसिस करके जो भी मिस्टेक्स है उनको ओवरकम करके आप फिजिक्स में एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि एक चैप्टर पर 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन एक चैप्टर के अगर आपने 100-200 क्वेश्चन कर लिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपने 10-20 क्वेश्चन कर लिए, तो वो टॉपिक आपका अपने आप स्ट्रोंग हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि एक टॉपिक पर आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो, दिस विल बी द हार्ड वर्क। बट अगर मैं कहता हूं कि एक ही टॉपिक पर 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन को 3-4 बार सॉल्व कर लो, बात ध्यान से समझिएगा, एक टॉपिक पर 1000 क्वेश्चन को मैंने वन टाइम सॉल्व किया, उसके बाद कभी नहीं देखा, लेकिन एक टॉपिक पर मैंने 100 क्वेश्चंस को 4 टाइम्स कर दिया, तो भैया वो टॉपिक तो अपने आप ही आपका स्ट्रोंग हो गया। जो क्वेश्चन गलत हुए थे उनको आपने वापस सॉल्व किया है, तो डेफिनेटली आपका टॉपिक अपने आप स्ट्रोंग हो जाएगा। और ये तो मैंने मूल मंत्र आपको बताई है कि सक्सेस का मूल मंत्र क्या फॉर्मूला है। सक्सेस का फॉर्मूला है स्मार्ट वर्क प्लस रिपिटिशन रिपिटिशन रिपिटिशन। तो इस तरीके से आपको करना है स्मार्ट वर्क एंड रिपिटिशन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फिजिक्स का जो वेटेज रहा था 2023 में क्लास 11th के पोर्शन का और क्लास 12th के पोर्शन का वो कितना रहा था, और किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। तो आई विल बी हाइडिंग माई वीडियो। अब इस वीडियो को पॉज करके देखिए कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर लेंथी है, कौन सा चैप्टर छोटा है, किस चैप्टर को मैं अगर पहले कर लूं तो कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकता हूं। ये चीज आप खुद जानते हैं कि कौन सा चैप्टर लंबा है, कौन सा चैप्टर छोटा है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इट इज नॉट ए मोटिवेशनल वीडियो, इट इज नॉट ए स्ट्रेटेजी वीडियो, आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ेगी। बस मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि ये चीज आप कीजिए। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन ए प्लेन। तो 25% क्वेश्चन, 25% क्वेश्चन तो इन तीन चैप्टर से ही आ गए, और ये तीन चैप्टर तो छोटे छोटे हैं। अगर आपने मोशन इन ए प्लेन पढ़ लिया अच्छे से तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और यहां से 25% मान लीजिए, अगर आपके 20 क्वेश्चन भी आते हैं 11th क्लास से, तो उसका 25% यानी 5 क्वेश्चन, 5 4 20 20 मार्क्स आपके यहां से कहीं नहीं हिलने वाले, कहीं नहीं हिलने वाले। यूनिट एंड मेजरमेंट इज वेरी सिंपल, एक क्वेश्चन डायमेंशन पे, एक क्वेश्चन एरर पर, सिग्निफिकेंट फिगर वाले क्वेश्चन आपने कर लिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक बार भी अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया, उस चैप्टर के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अच्छे से पढ़ना एक बार, बस एक बार पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन लगा दिए और एक दो बार रिवीजन कर लिया, तो ये तीनों चैप्टर आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। यहां से क्वेश्चन 100% आता है, और मिनिमम क्वेश्चन तो फिक्स्ड हैं, कम से कम यहां से आप 20 नंबर तो उठा ही सकते हैं, कम से कम 20 नंबर अगर आपने इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखो 15% आता है सर, लेकिन इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर, इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर। इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम्स पढ़ते हैं, स्प्रिंग फोर्स, पुली सिस्टम, फ्रिक्शन वगैरह, पता नहीं बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है। तो ये चैप्टर आपको डायरेक्ट नहीं उठाना है कि पहले तो भैया लॉज ऑफ मोशन होगा तभी मैं 12th क्लास पढ़ूंगा, नहीं, इसको आप लास्ट में कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल जीरो से उठने वाले हो तो, बिल्कुल जीरो से उठने वाले हो तो जो बच्चे जीरो से उठने वाले हो, यूनिट एंड मेजरमेंट अच्छे से पढ़ें, काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद ऑसिलेशन और वेव से 100% एक एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है ऑसिलेशन से, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके अगर आपको इक्वेशन अच्छे से बनानी आती है, ठीक है, किस तरीके से टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है वो अगर आपको आता है, तो आप आराम से आगे बढ़ पाओगे। वेव्स में काफी सालों से अगर हम बात करें, बीट्स पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। वेव में भी दो तीन टॉपिक ही है, एक बीट हो गया, एक डॉपलर इफेक्ट हो गया। अगर इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो वेव पोर्शन भी आपका अच्छे से कवर हो जाता है। छोटे चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है,
अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो इसका क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। थर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। फिजिक्स में आता है थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में भी आता है थर्मोडायनेमिक्स। अगर एक जगह आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, अगर सेम चैप्टर दूसरी जगह भी काम आ रहा है, उस चैप्टर को नहीं छोड़ना है। एक ही चैप्टर दो सब्जेक्ट्स में काम आ रहा है, फिजिक्स में भी आ रहा है, केमिस्ट्री में भी काम आ रहा है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के लो दोनों में काम आ रहे हैं, कार्नोट इंजन दोनों में काम आ रहा है, तो थर्मोडायनेमिक्स आप दोनों जगह पढ़ते हैं। तो अगर आपने एक जगह पढ़ा है तो फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू भी उसको पैरेलली पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आप वहां से थर्मोडायनेमिक्स को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। ग्रेविटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा चैप्टर स्वीट चैप्टर, क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। लेकिन ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए आपको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर थोड़ा बहुत आना चाहिए, किस तरीके से कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव वर्क डन होते हैं, वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है वो क्या है, वो आप ग्रेविटेशन में एक दो क्वेश्चन करोगे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। यू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब ग्रेविटेशन अगर आप पढ़ते हो तो ग्रेविटेशन के कंसेप्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन आर एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपको पैरेलली पढ़ना है, एक तरफ न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, एक तरफ कूलम्स लॉ, क्योंकि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना, 1/r² वाले, दोनों का पैरेलली चला सकते हो। ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन मास की, लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेयर की ग्रेविटेशनल फील्ड स्फेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को आप पैरेलली ले जा सकते हो। तो एक चैप्टर पढ़ोगे दूसरी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप कवर हो जाएगा, या फिर एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो दूसरी तरफ ग्रेविटेशन अपने आप कवर हो जाएगा। इन ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पक्का आता है, इजी क्वेश्चन आता है। अब यहां पे ग्रेविटेशन आप देख सकते हो 10% ग्रेविटेशन आया हुआ है, अगर 20 क्वेश्चन है तो मतलब दो क्वेश्चन तो ग्रेविटेशन से पक्के, दो क्वेश्चन ग्रेविटेशन से पक्के। फ्लूइड्स थोड़ा लेंथी चैप्टर है, क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन कुछ सालों से हर साल एक क्वेश्चन फ्लूइड से पक्का, एक क्वेश्चन सॉलिड से पक्का, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, इतना ज्यादा थ्योरी जो हमें पढ़ना पड़े। तो अगर हम बात करते हैं 11th क्लास की, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द 11th क्लास, जिनको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल एंड टाइप ऑफ चैप्टर भी मैंने यहां पे बता रखा है, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट से मिनिमम दो क्वेश्चन पक्के, काइनेमेटिक्स से दो क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन पक्के, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन कवर हो जाता है। चैप्टर का जो लेवल है वो मॉडरेट है और चैप्टर की जो लेंथ है वो भी मीडियम है। ग्रेविटेशन से मिनिमम दो क्वेश्चन पक्के, थर्मल फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन, वेव्स ऑसिलेशन में दो क्वेश्चन तो कम से कम आते ही आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। सॉलिड और प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें और फ्लूइड्स की, तो एक एक क्वेश्चन यहां से बनता है, लेकिन वो इजी क्वेश्चन है। तो जो बच्चे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और उनको 100 तो किसी भी हालत में फिजिक्स में क्रॉस करना ही है कि सर वी नीड एटलीस्ट 100 to 120 मार्क्स, तो इन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करके इनके कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर लीजिए। यहां से जो क्वेश्चन आएगा उनकी एक्यूरेसी एज पर माई ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डिफरेंट स्टूडेंट्स बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर हम गौर करें 11th में इन चैप्टर से, तो 2 + 2 = 4 + 2 = 6, 6 + 4 = 10, 10, और यहाँ पे आप 15 क्वेश्चन आप अच्छे से यहाँ पे कवर कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से आप कम से कम 15 क्वेश्चन तो उठा ही सकते हो, कम से कम 15 क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत कम गलत होंगे, इनको रिवाइज भी कम करना पड़ेगा, ज्यादा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। चैप्टर छोटे हैं, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट 2-3 घंटे में आपका हो जाता है। काइनेमेटिक्स मैंने पूरा डिटेल में इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखा है, अगर आपने केवल वो सेशन ही देख लिया उसके बाद कभी भी क्वेश्चन नहीं लगाए, जो मैंने कहा उनको ध्यान से सुन लिया, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ग्रेविटेशन भी बहुत छोटा चैप्टर है, 5-6 घंटे में हो जाता है, कुछ स्टूडेंट 4 घंटे में भी करते हैं, 5-6 घंटे में उनका होता है जो पैरेलली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ते हैं।
ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमेशा पैरेलल पढ़ना, सो दैट एक तीर से दो निशाने आप लगा पाओगे, एक पंथ दो काज वाली कहावत हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब अगर हम बात करते हैं क्लास 12th में, आई विल बी हाइड। क्लास 12th में अगर हम बात करें तो दिस इज द बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट, ये एसी है बेटा, है ना, और एसी है आपका 20%, ठीक है। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज विजिबल टू यू। नाउ इसमें क्वेश्चन आ रहा है सबसे ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी से, किस तरीके से पढ़ना है एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आ रहा है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन हर साल पक्का है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के दो तीन मेथड होते हैं, ठीक है, केवीएल, केसीएल, ओके, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री। तो इन तीन चार मेथड पर 10-10 क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, एक क्वेश्चन यहां से पक्का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने ग्रेविटेशन के साथ पैरेलली पढ़ ही लिया था, जो ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूले होते हैं सेम आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले होते हैं, जी की जगह के आ जाता है और कुछ थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज आपकी चेंज हो जाती है। तो यहां से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पक्का कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पक्का कर लीजिए, और उसके बाद अगर हम आते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें से वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सर्कुलर वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बनेगा। मॉडर्न फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स छोटी है, लिमिटेड फॉर्मूलाज हैं, और उन्हीं फॉर्मूलाज को आप अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस पक्के कर सकते हैं, वहां पे एक्यूरेसी काफी हाई होती है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन पक्का, लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन पक्का, 1-2 घंटे पढ़कर लॉजिक गेट का क्वेश्चन आप पक्का कर सकते हो, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। तो लॉजिक गेट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब मान लीजिए जैसे अगर मैं बात करता हूं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं, वहां से एक क्वेश्चन आता है, आप लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं, वहां से एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए, तो लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस की जो एक्यूरेसी होगी, वहां से मार्क्स ग्रैब करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इट विल बी मोर। लॉजिक गेट्स में कोई लॉजिक नहीं है, नाम का तो लॉजिक गेट है, लेकिन पढ़ने के लिए पीछे जो हमने फिजिक्स पढ़ी है उसको कोई भी लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आज भी अगर आप लॉजिक गेट्स पढ़ने बैठोगे समझ जाओगे। 11th क्लास के बच्चों को भी अगर मैं लॉजिक गेट बताऊंगा कि 1 का आउटपुट 0, 0 का होता है 1, 1 1 आएगा तो 0, 0 1 आएगा तो 1, या फिर 0 0 आएगा तो 1, तो आराम से समझ जाएगा, सिंपल सी टेक्निक है। तो लॉजिक गेट आपको पक्का कर लेना। सेमीकंडक्टर की थ्योरी एनसीईआरटी से कवर करोगे, क्वेश्चन विल बी सॉल्व, उसके लिए कोई दुख दर्द वाली बात नहीं। तो सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पक्का, लॉजिक गेट से क्वेश्चन पक्का, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन पक्का। रे ऑप्टिक्स इज वेरी सिंपल, रे डायग्राम बनाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, रे डायग्राम बनाओ क्वेश्चन सॉल्व करो। चैप्टर इज वेरी लेंथी बट क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इजी, क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इजी। तो देखते हैं कि अगर आप 12th क्लास के टॉपिक्स को उठाएं तो कौन कौन से टॉपिक उठाऊं सो दैट आई विल क्रॉस 100 मार्क्स। मेरा अभी यही टारगेट है, मैं आपको टॉपर नहीं बनाना चाहता हूं। अगर आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट यू विल स्कोर 100 मार्क्स, सो दैट यू विल गेन द कॉन्फिडेंस। जैसे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि यार पिछले मॉक टेस्ट में 60 आए, अब 80 आए, अब 3-4 मॉक टेस्ट से मेरे 100 100+ मार्क्स आ रहे हैं, नाउ आई विल इंप्रूव, नाउ आई विल इंप्रूव, तो ये खुद में सेल्फ जजमेंट वाली बात आने लगेगी। अभी अगर मैं आपको टॉपर बना दूं, लो भैया 180 में से 180 नंबर लिया हो, लेकिन आप 180 में से 180 नंबर लिया होगे, यू विल नॉट अचीव योर टारगेट। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ, यू हैव टू इंप्रूव योर स्कोर। 60 से 100 पहुंचना आसान होता है, 100 से 120 पहुंचना आसान होता है, 120 से 160 पहुंचना आसान होता है। लेकिन आज मैं कहूं कि आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, 2 महीने मेरे साथ फिजिक्स पढ़ो, मैं कर दूंगा जादू, और आप कहने लगेंगे 160 मार्क्स। आप खुद अपने दिल पे सवाल हाथ रख के सवाल पूछो, इज इट पॉसिबल सर, जो ये फैक्ट बता रहे हैं, 60 से 160 की जर्नी कीजिए 2 महीने में, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मैं आपको यहां बता सकता हूं कि 60 से कैसे 80 पे जाना है, 80 से कैसे 100 पर जाना है,
This is a step-by-step process. Consistency is very, very important. आपको मॉक टेस्ट देने हैं और दबा के मॉक टेस्ट देने, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पहले मॉक टेस्ट में हो सकता है कि आपके 100 नंबर भी ना आए, 150 नंबर भी ना आए, तो करना क्या है, दूसरा मॉक टेस्ट देके उसको इंप्रूव करना है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जापान में ये तो चीज है काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हमें चाहिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सो यू हैव टू डू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये अगर आप चैप्टर्स फॉलो करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ग्रेविटेशन के पैरेलल में लेके चलते हैं, चैप्टर तो लंबा होगा लेकिन इसका लेवल मॉडरेट है, क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं। रे ऑप्टिक्स डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन सोल्व करो। लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन पक्का, सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन पक्का, और मॉडर्न फिजिक्स छोटे चैप्टर, तीन चैप्टर है, छोटे चैप्टर है, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर है वहां मॉडर्न फिजिक्स के तीन चैप्टर है। सो यू कैन एनालाइज कि किसमें हमें कितना टाइम देना है। तो मॉडर्न फिजिक्स के छोटे चैप्टर से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। साथ ही साथ मैं एक एनालिसिस ये भी लाया हूं, यू कैन सी कि ईयर वाइज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर क्लास 11th इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एज वेल एज क्लास 12th इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। सेमीकंडक्टर फिजिक्स से तीन 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 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर के भी आ रहे हैं, लॉजिक गेट्स के भी आ रहे हैं, क्वेश्चन बनेगा, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स नहीं छोड़नी। रे ऑप्टिक्स से तीन से चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पांच चार क्वेश्चन, कम से कम चार क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करके चलो, जिसमें से एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन तो है ही है। तो ऐसे बूंद बूंद करके आपको अपना घड़ा भरना है, और पहले तो आपको 100 मार्क्स तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, 100 मार्क्स तक पहुंचना है, सो दैट यू विल इंप्रूव योर मार्क्स टू द 120 प्लस, एंड इट इज नॉट ए बैड मार्क्स। ये गलत मार्क्स नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स है। सबसे पहले तो आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कीजिए, अपने हैंड रिटन नोट्स पर फेथ रखिए। जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं, उसको प्रॉपर टाइम दीजिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए। जब तक आपका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, योर मार्क्स विल नॉट इंक्रीज, आपके मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज नहीं होंगे। दिस सेशन विल बी लिटिल बिट लेंथी, बट आपके जीवन के ये 40 मिनट आपके आने वाले 6 महीने को इंप्रूव कर देंगे। आपके आगे आने वाले 6 महीने में आप प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। रिसोर्सेज को लिमिटेड कीजिए, हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज कीजिए, हैंड रिटन नोट्स में जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए। सबसे पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हैंड रिटन नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन एनसीईआरटी। इट इज मोर देन इनफ टू स्कोर 120 मार्क्स। अब बात आती है, क्या सर 160 भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये साइकिल अगर आप 5-6 बार रिपीट कर लोगे, उसके बाद आप क्वालिटी क्वेश्चंस को लगाइए, एचसी वर्मा को सॉल्व कीजिए, डीसी पांडे को सॉल्व कीजिए, देन डेफिनेटली योर मार्क्स विल बी इंप्रूव। मार्क्स इंप्रूव होगा ही होगा। तो इस तरीके से आप अपने फिजिक्स के डर को भगा सकते हैं। फिजिक्स का एक ही मूल मंत्र है, पेन पेपर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। इट इज नॉट लाइक कि हम एनसीईआरटी पढ़कर उसको याद कर लेंगे। फिजिक्स में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन योर मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपको देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं डरना है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिजिक्स उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और अगर आपका कोई जनरल क्वेरी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सवाल आपके होंगे और जवाब हमारे होंगे, तो उस टॉपिक में मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप इस सेशन से आपको काफी हेल्प मिली होगी कि किस तरीके से फिजिक्स में एक कॉमन स्टूडेंट 120 प्लस या फिर 100 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल,
जय हिंद, जय भारत।